तो दोस्तों हम लोग अभी पहुंच गए हैं उन्हेल, जो नागदा से 20 किलोमीटर उज्जैन की तरफ है। और इस जगह क्यों फेमस है मैंने पता किया, इधर बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े कचौड़ी जो बहुत टेस्टी है, एमपी में जिस चीज का कचौड़ी मिलता है उसे बहुत ज्यादा शानदार है। ऐसे कचौड़ी मिलती है, चाट भी मिलता है, चाट नहीं है, चाट बना दे तो। अच्छा देखिए, गरम गरम कचौड़ी अंदर तल रहा है और ऊपर पक्के सजा हुआ है। अरे वाह, बन भी रहा है। दिन भर में आपको कितने कचौड़ियां बिकते हो? खैर मधुमिता पूछ रही है कि दिन भर में क्यों क्यों बताएं भाई, हम हमारी मर्जी, हम क्यों बताएं। हाँ लेकिन ये जरूर बताएंगे और दिखाएंगे कि कितने बड़े बड़े हैं, इतना बड़ा कचौड़ी मैंने केवल यही देखा है। हाँ। क्या बोलते हैं बताओ, इतना बड़ा कचौड़ी यहीं पर बनता है या फिर और भी कहीं पर बनता है? नहीं बनता है ना, केवल बड़े बड़े बनते होते हैं। हम लोग सुने की इधर का कचौड़ी बहुत मतलब मजेदार होता है खाने में। हाँ खाएंगे बाद में, नहीं अभी अभी नहीं, अभी हम लोग फिर देख रहे हैं उसके बाद। अच्छा क्या चाट बनाते हैं? चाट नहीं, ओनली कचौड़ी। ओनली कचौड़ी, तो इधर देखिए दुकान दुकानों में कचौड़ी सजा हुआ है। ये मैं चाट के बारे में जब भी पूछा तो बोल रहे कि नहीं चाट नहीं, सिर्फ कचौड़ी ये लोग बेचते हैं। नहीं ये लोग चाटनी वाटनी देके देते हैं, चटनी देते हैं वो, बाकी लोग भी देते होंगे। हम लोग यहाँ पर देखे देते बच्चों का, केवल उन्हेल में इतना बड़ा बड़ा मिलता है कचौड़ी, नागदा और उज्जैन में इतना बड़ा कचौड़ी हमने नहीं देखा। क्वालिटी अच्छी है, अभी खाएंगे, थोड़ी देर में खाएंगे हम लोग। उसके बाद क्या, अभी अभी देख के हम लोग जस्ट पता करते हैं कहाँ कैसा मिल रहा है। हाँ। ताकि सारे लोगों को ये बता पाए। हाँ। बाद में हम लोग खाएंगे। अब ये मत बोलो कि मधुमिता एक खाएगा, मधुमिता आज शेयर करके खाएगा। आपके समोसा कितने हैं, एक पीस का क्या प्राइस है? 15 रुपए। अच्छा इधर सारा जो है कचौड़ी और समोसा सारे 15 रुपीज का है, बाकी जगह किसी किसी जगह मैंने देखा 10 रुपया। इधर का साइज भी बड़ा है, ये ग्रीन चटनी है, इसको डाला, ये रेड वाली है, उसको डाला, ये नमकीन है, आपकी कचौरी बन गई। तो फाइनली मेरी कचौरी आ गई। अच्छा इसे कचौरी क्यों बोले, इसे कचौरा क्यों ना बोले, क्योंकि आपकी कचौरी तो बाकी की कचौरी से ज्यादा बड़ी है भाई। हम लोग अंदर भी गए लेकिन हम लोगों ने बोला कि इधर बोल कर आए तो इधर की खाएंगे। हमारे पास भी समस्या थी कि इतने में से किसकी खाए वाली बात है, लेकिन आपका रिकॉर्ड कर रहे थे, बोले हुए थे इसलिए चलो आपके पास उठा लिए। बाकी हम चाहते हैं कि आप सबका बहुत अच्छे से बिके और चले। ये है ये कचौरी, अब मैं टेस्ट करता हूँ, आप देख लो इसे। ये देखो चलो ये खा रहा हूँ मैं, ये भरा हुआ, ये देखो। हाँ टेस्ट बताओ कैसा है? अच्छा है, मैं बताऊं बहुत अच्छा है टेस्ट, बहुत अच्छा है। ये डिनर हो गया ऐसा लगेगा। मैं डिनर के लिए ना कर दूं? दिली बोल रहा है कि वो डिनर हो गया, तो मैं बोला उनको कि मैं डिनर के लिए ना कर देती हूँ। मधुमिता को खिला दे रहा हूँ क्योंकि मधुमिता खाएगी नहीं, बाद में मुश्किल होगा। देखो भाई अपना कैसा है टेस्ट, दिली मुझे टेस्ट कर रहा है। अगर आप मुझे टेस्ट के बारे में पूछोगे, ये हिंग की स्मेल आया और मुझे हेलो चाटनी का स्मेल आया। हाँ मजा आया, मजा आया। अब मैं अपना खा रहा हूँ, देखो ये चटनी भी जम के डाला है इसमें दोनों तरह का। वाह, सारा खाना तो पॉसिबल नहीं है, एक खाकर बता सकते हैं कि आपको बस स्टॉप के पास मजा आएगा खाने में, इतना तो मैं बता सकता हूँ।